हाय फ्रेंड्स, स्वागत हमारे बेस्ट कुकिंग चैनल पे। बहुत बहुत आपका स्वागत और अभिनंदन। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे के लिए हमने ये 5 से 6 आलू हमने लिए हैं, 4 से 5। अरे, 5 आलू हैं ये हमारे लगभग, इसको हमने ले रखा है। और ये हमने एक प्याज कटा हुआ लिया है, ये हमारा हरा धनिया है, और ये हमारी 2 छोटी हरी मिर्च है, इसको हमने बहुत छोटा छोटा सा काट लिया है क्योंकि हरा मिर्च बहुत तीखा है। और ये हमारा नमक मिर्च है। इस नमक मिर्च ये नमक मिर्च जो होता है बहुत टेस्टी होता है, और इसमें हमने कई चीज़ें मिला के इसको पीसा हुआ है। इसमें नमक है, मिर्च है, और लहसुन है भुना हुआ, हरा सॉरी खड़ा धनिया है, और जीरा है भुना हुआ। ये सब सारी चीज़ों को हमने मिक्स करके तब इसको पीसा हुआ है, तो ये बहुत टेस्टी नमक हमारा हो तैयार होता है जाके बनके। आप जिसमें भी इसको डालेंगे वो बहुत टेस्टी सब्जी है, जैसे या कचौड़ी वगैरह में बनाते हैं तो उसके लिए बहुत टेस्टी नमक होता है। तो और ये हमने एक प्याज ली है। प्याज हमारे डालने से आलू के पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं और एकदम होटल के टाइप के बनते हैं। होटल में क्योंकि प्याज डाल के पराठे बनाए जाते हैं और होटल जैसे पराठे बनते हैं, टेस्ट एकदम होटल वाला आता है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेस्ट तैयार करते हैं इसका। और पेस्ट में हम ये बाउल लिया है हमने, और इसमें ये आलू हम डालेंगे, और ये हम डालेंगे हरा धनिया हमारा, और ये हमारी हरी मिर्च है, ये हमारा नमक मिर्च है जो हमने लिया है, इसको हम ऐड कर देंगे। इसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि आपकी जितनी आलू है आप आलू के अकॉर्डिंग ले सकते हैं नमक को। नमक जैसे आलू हमारी कम है तो कम ले सकते हैं, और आलू हमारी ज़्यादा है तो हम ज़्यादा भी नमक कर सकते हैं। और ये हमारा प्याज है, अब हम सारी चीज़ों को एक साथ ऐड कर देते हैं इसमें, ये देखिए। और ये हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, और अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे। अभी हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला, इससे क्या होता है हमारे आलू के पराठे बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे बनते हैं। और अब हम इसको हाथ से आलू को हम मीस लेते हैं, ऐसे इस आलू को सारा पेस्ट हम बना लेते हैं। अब ये देखिए हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, इसमें हमने सारी चीज़ें मिला दी हैं और अच्छे से हमारा पेस्ट बन गया है। और अब हम इसको रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, और जब तक ये मिक्स होगा तब तक हम आटे को गूंथ लेते हैं। अब ये देखिए हमारा आटा आटा गूंथ के तैयार हो चुका है, और इसको हमने 2 मिनट रख दिया था, तो ये अच्छे से देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट आटा गूंथा है। और इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, और थोड़ी सी हमने इसमें डाली है अजवाइन पिसी हुई। और अब हमारा आटा तैयार हो चुका है पराठे बनने के लिए, और अब हम इसमें तिलाई लेते हैं। और सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं, और इसमें हम आयरन का ये तवा लेंगे, और इसको हम इस पे रख देते हैं। और अब हम इस आटे की ये देखिए छोटी छोटी सी लोइयां ऐसे ये बना लेंगे, ये देखिए। और इसको ऐसे करते हुए हम ये इस तरह से हम इसको बढ़ा लेंगे, ये देखिए रोटी हमारी बढ़ रही है। और अब हम इसमें ये हमारा जो आलू का हमने पेस्ट तैयार किया है इसको हम इसमें ऐसे भर देते हैं, ये देखिए, ये देखिए हमने इसको ऐसे भर के, और ये ऐसे हम हटा देते हैं इसको ये थोड़ा सा, और ऐसे करके गोल, ये देखिए ये हमारी तैयार हो चुका है। और अब हम इसको ऐसे आटे में ऐसे करके, और इसको हम फिर से ऐसे फैला देते हैं, ये देखिए। ये हमारा फैल चुका है, और अब हम बेलन ले इसको और एक बार थोड़ा सा आटा लगा देते हैं ताकि ये चिपके ना, और इसको हल्के हाथों से ही हम इसको बेलेंगे, ये देखिए। ये देखिए हमारा पराठा बेल के तैयार हो चुका है,
और अब हम इसको तावे में ऐसे डाल देते हैं। और अब हम दूसरा ऐसे ये ऐसे करके दूसरा हम तैयार कर लेते हैं। और अब ये हमारा पलटने वाला हो गया है तो हम इसको ऐसे पलट देते हैं। ये देखिए ये हमारा एक और हमने बेल लिया है। और हमने ये इसमें रिफाइंड ऑयल लिया है क्योंकि आप चाहें तो देसी घी ले सकते हैं, और यह तो सरसों का ऑयल जैसा आप जो तेल यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं आप। और हम इसमें पराठे में लहसुन लगा देते हैं, ये देखिए। और ये देखिए हम आंच को थोड़ा सा धीमा कर देते हैं, ये देखिए। इसमें ये देखिए हम तेल लगा देते हैं। और ये देखिए हमारा कितना बढ़िया हमारा आलू का पराठा बनके तैयार हो रहा है। ये देखिए और हम एक साइड एक और बेल के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे ही भर के हम जैसे हमने पहले भरा था उसी तरह से भर के, और ये देखिए इसको थोड़ा सा हटा के हम और फिर ऐसे इसको साथ में हम पलटते जाएंगे ताकि ये पराठा हमारा अच्छे से पक जाए। और इधर हम एक और बेल के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पराठा बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा पक चुका है पराठा। इसको हम धीमी ही आंच में पकाएंगे, ज्यादा तेज आंच में नहीं करेंगे। पहले हम तावा गरम कर लेंगे उसके बाद से हम धीमी आंच में पकाएंगे ताकि ये हमारा अच्छे से पराठा पक जाए। और ये हमारा पराठा पक गया है, अब हम इसको ऐसे प्लेट में हटा देते हैं, ये देखिए। और हम दूसरा डाल देते हैं, हम थोड़ी सी आंच तेज कर देते हैं और ताकि हमारा अच्छे से थोड़ा सा तेज़ी से आंच लगे इस पराठे में, और फिर थोड़ा सा भी धीमा कर देंगे। ये देखिए हमारा पराठा। और अब हम इसमें ऑयल लगा देंगे जो हमने लिया हुआ है रिफाइंड ऑयल। देसी घी हमको थोड़ा सा हैवी लगता है, आप चाहें तो देसी घी वैसे टेस्टी तो है लेकिन हैवी बहुत हो जाता है, इसलिए हम रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। और आप चाहें तो आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हैं, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पराठा पक रहा है। और इसको हम धीमा कर लेते हैं, ये देखिए। हम इसको और पलट देते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया पराठा हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पराठा बनके तैयार हुआ है। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं।
और हम इसको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा बन के तैयार हो चुका है आलू का पराठा। और हमारी ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बन के तैयार हुआ है, अंदर से अच्छे से पक चुका है। इसको देखिए, इसको हम तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए, अरे वाह, ये देखिए कितना बढ़िया से हमारा बन के तैयार हुआ पराठा। और इसको अचार है, चटनी है, खट्टी मीठी चटनी और सब्जी है, किसी भी चीज़ के साथ आप ले सकते हैं, या कभी नाश्ते में बनाए तो चाय के साथ भी ले सकते हैं। और प्लीज़ हमारी रेसिपी को ट्राई करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।